life. I'll always love you by and by. God is the sunlight, God is my life. But love will live always by and by. मैं खुद को खत्म कर दूंगा अगर तुम्हारे पति की तरह तुम पर एक बार भी जुल्म किया तो। तुम्हें मरना होगा, जमीन में दफन होना होगा 100 साल के लिए। 100 साल पूरे होते ही उसकी रूह भटकने लगेगी, उसकी बेचैन रूह तुम्हें पुकारने लगेगी। अगर तब भी वो तुम्हारे दिल में रही तो समझो उसने दूसरा जन्म ले लिया। मैं दुनिया की सारी तकलीफें झेलने के लिए तैयार हूं मेरी कैरोलाइन के लिए। तुम्हारा श्राप क्या है तांत्रिका? तुम 100 साल तक जमीन में दफन रहोगे, उसकी यादों में उसके आने तक खोए रहोगे, फिर अपनी कब्र से तुम जाग उठोगे और काली शक्ति और काली रातों के मालिक बन जाओगे। लेकिन दिन का उजाला तुम्हारे लिए खतरनाक है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा और ठीक अमावस्या की रात को उसे भी अपनी तरह बना देना होगा। फिर तुम दोनों एक अमर जीवन जी सकते। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, ये मेरी जिंदगी की सारी पूंजी है। मुझे श्राप दो तंत्रिका। ये चाकू एक बार खूनी चमगादड़ पर इस्तेमाल किया गया था उसकी गर्दन उड़ाने के लिए। तब श्राप और खून के धब्बे इस पर रह गए थे। मुझे क्या करना होगा? काम हो गया। ये सपना सिर्फ एक मजाक है। दरअसल दिन भर की थकान के बाद तुम्हें रात को गहरी नींद आई और तुम इस तरह के डरावने सपनों में झूमने लगी। शायद यही सब हुआ होगा। ये चीजें कहाँ से लाते हो जेफ? पेंटिंग की चीजें? नहीं नहीं नहीं, ये इस किस्म के मस्खरे जैसे मिस जेराल्ड देती थी। जेराल्ड का नाम लेकर मुझे टॉर्चर मत करो। जानती हो हमारे अलग होने की क्या वजह थी? क्या? चाय। उसकी चाय बहुत गंदी, कड़वी और बदबूदार थी। जानते हो जेफ, मुझे एक तरह की बेचैनी महसूस होती है, जैसे जैसे कोई मुझे ढूंढ रहा है। मतलब मैं समझा नहीं सकती। पर मैं समझा सकता हूँ। जानती हो क्या है? देखो, फर्ज करो एक शख्स है जिसकी पूरी जिंदगी किसी एक और शख्स के साथ जुड़ी हुई है, फिर अचानक किसी वजह से एक शख्स साथ छोड़ देता है और एक अकेला हो जाता है। मतलब कोई तो जरूर है जो तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता है, या फिर तुम उस जगह को ढूंढ रही होगी जहां वो तुम्हें मिले। यहां देखो, मुंह घुमाओ। कहां भी ऐसा है?
हे भगवान, ये जगह मेरे सपने में आई थी। मैंने इस जगह को देखा है। दुनिया काफी बदल चुकी है। Feel when I hold you, smile when I sigh, kiss me and love me by and by. Angel of angels, there where you lie, our love will live on, dear, by and by. Gone is the sunlight, gone is my life, but love will live always, by and by. तुम्हारी आवाज में वो जादू है जो किसी को भी दीवाना कर दे। क्या तुम कोई शायर हो? तारीफ के लिए शुक्रिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुमने मुझे नहीं पहचाना? क्या तुम वो प्यार नहीं हो जिसने मेरा 100 साल तक इंतजार किया है? ओ, वैसे तो पहचाना नहीं, लेकिन नाम बताओ तो शायद पहचान जाऊं। मैं जॉनाथन हूँ, जॉनाथन ट्रैवर्स। मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ कैरोलिन मेरी जान। ठीक है, जो तुम समझो, मैं कैरोलिन ही हूँ। तुम मेरी कैरोलिन नहीं हो। लड़की को छोड़ दो और अपने हाथ ऊपर करके वहीं खड़े हो जाओ। जल्दी करो, जल्दी हाथ ऊपर करो। आ,
तुमने उसे देखा? मैंने उसे दो बार शूट किया और सिर्फ मैंने नहीं तुमने भी गोली मारी। ये मर चुकी है। क्या पागलपन है। एम्बुलेंस बुलवाओ हैरी। आज फिर देर हो गई मेरी जान। ना प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। जाना होगा पर मैं वादा करता हूं मैं जल्द लौट आऊंगा। मुझे गुड मॉर्निंग कहने आई हो? फिर जोर से मार दिया। हाँ यही तो है वो। मिस्टर जॉन डोवी मर चुका है। केस क्लोज। अब घर चलो। बेन तुम जानते हो कल रात हमने क्या देखा? क्या? ये तो मर चुका है। अब क्या जानना है? इसके लंबे दांत थे। लंबे दांत? ये उस औरत का खून चूस रहा था। खून? तुम जानते हो कैसा दिखता था? नहीं नहीं मैं नहीं जानता हूँ ये कैसे दिखता है। तुम मुझे बताओ ये कैसे दिखता है। ठीक है तो हम चीफ को बताएंगे हमने उस रात क्या देखा। हाँ हमने बताएंगे कि किसी पागल ने उसके दांत फाइल किए और उस औरत को काट कर उसका खून चूसने लगा। ऐसी बातें तो होती रहती है। हमने इसे गोलियां मारी और ये फिर भी वहां से भाग निकला। हो सकता है उसने तब बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हो। मैंने दो गोलियां इसके सर पर मारी ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हो सकता है तुम चूक गए होंगे क्योंकि तुम्हारा निशाना बहुत बेकार है। देखो कोई छेद नहीं है ना कोई निशान है। इसने बुलेट प्रूफ पहना है। केस खत्म समझो। कुछ भी कहो मुझे यकीन नहीं हो रहा। इसकी मौत की वजह क्या हो सकती है? इसके पता नहीं पर इसकी मौत की वजह मुझे कुछ अलग ही लगती है। मॉर्निंग। मॉर्निंग। सॉरी देर हो गई। ट्रैफिक? हाँ वो तो हमेशा का है। कोई और फोन कॉल्स? नहीं पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फर्टिलाइजर मैगी? फर्टिलाइजर? हाँ हाँ पता है फर्टिलाइजर शिट सब एक ही जगह से आते हैं। देखो ये हमारा नया क्लाइंट है। ओके उससे कहो मैं 10 मिनट में मिलती हूँ। वो कर लेगा इंतजार। गुड मॉर्निंग रोज। तुमने उस नए गार्डनर को देखा? और बात क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब तुमसे है। टायर्ड लग रही हो। मैं टायर्ड हूं। मैं रात भर सो नहीं पाती। पता नहीं क्यों। देखो परेशान मत हो मुझे बताओ बात क्या है। मुझे आजकल डरावने सपने आते हैं और वो बिल्कुल हकीकत जैसे लगते हैं। बुरे सपने मतलब तुम्हें अच्छे वेकेशन की जरूरत है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें सपने याद हैं? हाँ हाँ मुझे वो सारे याद हैं। तो बताओ मुझे। नहीं नहीं तुम्हें मजाक लगेगा मैं नहीं बता सकती।
नहीं बताओ वो किस तरह के हैं? क्या तुम मेरी थेरेपिस्ट हो? नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। तो सुनो, ये तब शुरू होता है जब मुझे सॉरी भूल गई, ये लिफाफा कल तुम्हारे लिए आया था। क्या है ये? क्या पता, हो सकता है तुम्हारा कोई लव लेटर हो। देखो मैंने ये वाला नहीं पढ़ा है। हाँ मैं चीज बड़ी हूँ, मस्त मस्त। क्या लिखा है? जेल से आया है, मार्टी को पैरोल पे छोड़ दिया है। क्या? तुम पर इतना जुल्म करने के बाद भी उन्होंने उसे छोड़ दिया? ये बहुत पहले की बात है रोज। क्या पता नहीं तुमने उसे 2 साल कैसे झेला, मैं तो उसे मार देती। तुम्हारी गलती ये है कि तुमने उससे शादी की। मैं चाहती हूँ उसे, मुझे लगा मैं उसे सुधार दूंगी। तो तुमने उसे सुधारा? उसे जेल भेज दिया। ए मार्टी, रिहाई मुबारक हो। शुक्रिया। तुम कौन हो? वो ही कौको, मैं तुम्हारा पैरोल ऑफिसर हूं। चलो। हम आज से अलामा होटल में रहेंगे। अच्छी जगह है ये, सस्ते दाम पर अच्छी खातिरदारी होती है यहाँ। आज से तुम यहाँ काम करोगे, तुम्हें झाड़ू पोंछा भी लगाना होगा। हाँ। खैर, आजाद होकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किस्मत वाले हो। जानते हो मुझे तुम्हारे साथ क्यों रखा गया? नहीं। हाँ, हो सकता है तुम जाकर अपनी पत्नी का खून कर दो। मैं जरा अलग हूँ, बेकार में मारा गया ना। देखो गलती हो गई, आई एम सॉरी कह दिया ना मैंने। नहीं नहीं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। देखो हेलो जेफ, बेक, मैं यहां अब और काम नहीं करना चाहता। क्या? हेलो मिस्टर जेफ, सुनो, हमें रिपोर्ट मिली है कि यहां से एक लाश गायब हो गई है। क्या सच है? हाँ। जेफ, क्या तुम बता सकते हो किसकी लाश थी? हाँ, वो किसकी लाश थी? हाँ, जो कल आई थी। क्या आप बता सकते हैं कि ये वो लाश नहीं थी जिसकी हमने पहले शिनाख्त की थी? हाँ। नहीं। हाँ। क्या हुआ था? मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते इसका मतलब क्या है? आप तो यहीं थे ना? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि लाश अचानक गायब हो गई, उसमें जान आ गई? आप ये कहना चाहते हैं कि वो उठकर यहाँ से चली गई? हाँ। क्या? इसकी बात सही है। क्या कहा तुमने? हाँ, किसके बारे में? उस लाश के बारे में। कौन सी लाश? हा, हम यहाँ की तलाशी ले सकते हैं? क्यों नहीं, जरूर जाओ, अपनी ही जगह समझो।
हेलो, तुमने कभी किसी को यहां नंगे पांव घूमते देखा है? नहीं, कभी नहीं। हेलो हेलो, हेलो। हाय बेबी। मार्टी, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा। देखो मार्टी, तुम मुझे इस तरह फोन नहीं कर सकते, ये जज का फैसला है। हाँ, मैं जानता हूँ ये जज का फैसला है। ना मैं तुमसे मिल सकता हूँ, ना फोन कर सकता हूँ, ना खत लिख सकता हूँ, और ना ही तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे घर के पास मंडरा सकता हूँ। क्या? हाँ, ये बताओ, क्या तुमने अपनी बिल्ली को तुम्हारे आसपास कहीं देखा है? नहीं तो पहले जाकर देख लो। आंटी जेराल्ड, मैं बोल रही हूँ विक्टोरिया। ओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहाँ हो? तबीयत कैसी है तुम्हारी? अच्छी है, अच्छी है। मैं सोच रही थी कि मैं थोड़े दिनों के लिए वहाँ आ जाऊँ रहने के लिए, मतलब हम पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं। अरे बेटी, ये भी कोई पूछने की बात है? जब चाहो आ जाओ, तुम कब आना चाहती हो? सोच रही थी कि आज रात आ जाऊँ। हनी, क्या कुछ गड़बड़ है डार्लिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल मैं मार्टी जेल से छूट गया है और मैं समझ गई। और अब कुछ मत कहना। देखो, तुम मेरी बहन की बेटी हो और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। अब तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और तुरंत यहाँ आओ। इस वक्त अपनी बीवी के साथ होने के बजाय बेकार में हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। तो तुम्हें भटकने के लिए कौन कह रहा है? फर्ज ने मजबूर कर रखा है। अरे छोड़ो भी, खुद की मस्ती तो बिगाड़ दी तुमने, अब इनकी मस्ती क्यों बिगाड़ रहे हो? ये गलत है यार। हम यहाँ पर उस लाश की तलाश में आए हैं। हम लोग डिटेक्टिव नहीं है हैरी, वापस चलो। रुको यार, ओ शिट। क्या हुआ? कौन है? भाई है। ए, रुक जाओ। कार लेकर आओ। ठीक है, चलते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो आगे। वो वहीं पर था। कौन? वही आदमी। कौन सा आदमी? वही मरा आदमी जो मुर्दा घर में था। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो हैरी? वो मेरे सामने था और अचानक गायब हो गया, तुमने देखा नहीं? अमल पर चलाओ बेन। शिट।
रोज मैं हूँ। हे वे, कहाँ हो तुम? मैं शहर से दूर अपनी आंटी के पास जा रही हूँ। क्यों? यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था। मार्टी ने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? हाँ, तकलीफ दे रहा है। अगर वो तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम पुलिस को बताओ। मैं जानती हूँ, मैं बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ से निकल गई। बस वहाँ पहुँचते ही मुझे फोन जरूर करना कि तुम ठीक से पहुँची। जरूर करूँगी, बाद में बात करते हैं। बाय। आपको मर्दों पर आज भी यकीन नहीं है? दरअसल वो गिरगिट की तरह होते हैं। वो तो है। सूप कैसा है? बहुत अच्छा। कुछ अलग नहीं लगा तुम्हें? अलग किस वजह से? इसमें घोंघे डाले हैं मैंने, इससे साइनस की प्रॉब्लम दूर होती है। पिछले हफ्ते अखबार में पढ़ा था। ओह, एक और खास खबर थी वहाँ। लिखा था कि कुछ 10,000 लोग हर साल किसी भी तरह एलियंस द्वारा उठा लिए जाते हैं। खतरा बहुत बढ़ गया है। सच में? क्या समस्या है? और एक बढ़िया खबर भी आई है उन एलियंस के बारे में, कैलिफोर्निया से। वहाँ के स्थानीय सूत्रों का कहना है कि उनमें से एक एलियन को गोली मारकर मार दिया गया है। ये बहुत अच्छी खबर है ना? अब हमें पता चलेगा कि एलियंस क्या चीज है। क्या बात है, तुम थक गई हो क्या? नहीं आंटी, तुम जाकर सो। नहीं नहीं, बल्कि मुझे मजा आ रहा है आपकी बातें सुनकर। ओके। एक डॉक्यूमेंट्री भी है प्रिंस वलाडा सोर्स ऑफ रोमानिया पर। माफी चाहती हूँ आंटी, मुझे नींद आ रही है, मैं फिलहाल सोना चाहती हूँ। ओके डार्लिंग, चैन से सोना, तुम सुरक्षित हो यहाँ। कौन हो तुम? ओए, मैं यहाँ खो गया हूँ। क्या तुम जानते हो ये जगह किसकी है? क्या कहा तुमने? जिनकी तुम बात कर रहे हो उनका मैं मुलाजिम हूँ, 20 सालों से उनके लिए काम कर रहा हूँ। वैसे तुम कौन हो बरगुरदार? तुम यही पास में रहते हो? हाँ, मेरा घर है वहाँ पर। अच्छा है, मैं वहाँ पर रहूंगा। तुम पागल हो क्या? क्या नाश्ता बनाया जा रहा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अच्छी नींद आई ना? हाँ, नींद तो आई थी, पर वो सपना मैंने फिर देखा। अगर तुम चाहो तो मैं अपने तंत्र मंत्र की किताब से इसका हल ढूंढ सकती हूँ। नहीं, ठीक है। भूख लगी है? हद से ज्यादा। हाँ, मुझे लग ही रहा था। तुम्हें आज शक्कर नहीं मिलेगी मॉर्निंग कॉफी के लिए, सारी खत्म हो गई है। आज ये बात है ना, पता नहीं, जब मैं चार्ल्स के पास शक्कर लेने गई तो उसने दरवाजा ही नहीं खोला। इस तरह गहरी नींद में सोना अच्छी बात नहीं है। हाँ, आपकी तरह काम 7 बजे से शुरू हो जाना चाहिए। चुपचाप नाश्ता करो और खाते समय मुंह बिल्कुल बंद रखना, समझी? इसमें घोंगे तो नहीं है ना? भूख लगी है, ये लो खा लो बच्चे। मिल्क बिस्कुट्स, आज तुम्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा।
शिट शिट। तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई रोज। हाय, वो कहाँ है? मुझे तकलीफ हो रही है। ओह, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता था। तुम बहुत अच्छी हो। पता वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। देखो रोज, मुझसे खेल मत खेलो। मैं तुम्हारी गर्दन एक झटके में मोड़ सकता हूँ। कहाँ है वो? बताओ कहाँ है वो? उसे अकेला छोड़ दो। मैं ऐसा क्यों करूं? उसे क्यों अकेला छोड़ दो? जिद क्यों कर रही हो? हाँ, कहाँ है वो? बताओ कहाँ है वो? पार्टी मेरे साथ भूल रही है। ओह रोज, I'm sorry। अब ठीक है? ओह साली कमीनी, अब तू मरेगी। खाना तैयार है? अभी नहीं, पर मैं चाहती हूँ उससे पहले तुम मेरा एक काम करो। जरूर। तुम जरा मिस्टर चार्ल्स के घर जाओ और देखो कि वो ठीक है। हाँ, मैंने कई बार उनका फोन ट्राई किया लेकिन उठा नहीं रहे हैं वो। ठीक है, मैं समझ गई। रास्ते का ध्यान रखना डार्लिंग, ये रास्ता भूल भुलैया जैसा है। ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी। हेलो, क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? वैसे आप मिस्टर चार्ल्स तो नहीं? नहीं हूं, मैं उनका भतीजा हूं। मेरा नाम विक्टोरिया है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं जानाथन हूं। मुझे लगा हम पहले मिल चुके हैं। सुनने में अजीब लगता है, पर क्या हम पहले मिल चुके हैं? शायद मिले हों। जिस तरह से अच्छे प्रेमी मिलते हैं वैसे ही। मेरे आंटी को चार्ल्स की फिक्र हो रही है, वो आज घोड़ों का चारा लेकर नहीं आए। हाँ, वो मेरे अंकल आजकल थोड़े बीमार रहते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा उनका ख्याल रखने के लिए। वो ज्यादा सीरियस तो नहीं? नहीं नहीं, बस जरा उनको बुखार हुआ है जिससे तबीयत खराब हो गई। कहाँ के हैं आप? वैसे तो मैं यहीं का हूँ, यहाँ से कई साल दूर रहा हूँ, इसीलिए तो सब कुछ मुझे अलग सा लग रहा है। हाँ,
मुझे पता है होगा। हम लोग खाना खाने ही वाले हैं, आपको अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ आए तो। ये मेरी खुशनसीबी होगी, मेरे अंकल जो हैं वो फिलहाल सो रहे हैं तो उन्हें मेरे ना होने की चिंता नहीं होगी। अच्छा मिस्टर चार्ल्स ने बताया नहीं कि उनका एक भतीजा भी है। वो बात यह है कि उनके और मेरे पिता के बीच संबंध कभी ठीक नहीं रहे हैं। उन्होंने तो भाई का जिक्र भी नहीं किया। आंटी उन्होंने बताया कि मिस्टर चार्ल्स के उनके भाई के साथ संबंध ठीक नहीं थे, इसलिए नहीं बताया होगा। ये खाना बहुत बढ़िया लग रहा है मैडम, सॉरी आज मेरा उपवास है। क्या मुझे इसकी रेसिपी मिल सकती है? जरूर, पहले मीट की दुकान में जाओ, मीट खरीदो फिर उसे फ्राई करो। मैं तुम्हें रेसिपी लिख कर दे दूंगी। मैं जरा डाल। आंटी आई एम सो सॉरी। किस लिए सॉरी? तो क्या आपको घुड़सवारी का शौक है? हाँ शौक तो है, मैंने बचपन में घुड़सवारी सीखी है पर अब आदत नहीं रही। मुझे यहाँ दोबारा आकर अच्छा लगा। अपने बारे में कहो, तुम्हें घुड़सवारी आती है? मैं आपकी मदद कर देता हूँ मिस जेरल्डा। आंटी तुम जाकर सो जाओ, ठीक है? हम साफ कर देंगे, खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू। ज्यादा देर तक मत रुकना, समझी? आंटी मैं बच्ची नहीं हूँ। यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ये सारी कुकीज खा ली। तुमने खाना भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी। वैसे इस चाय की कुछ अलग ही बास है, वैसे ये है क्या चीज? ये मेरे आंटी की नई खोज है, कीड़े मकोड़ों घोंगों से बना हुआ काढ़ा। वैसे इसे पीने से भूत प्रेत दूर रहते हैं। वैसे भूतों से बचना इतना आसान नहीं है। तुम क्या करते हो जोनाथन? तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनकर अच्छा लगा। तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है, बिल्कुल वही रूप जो मैं देख रहा हूँ। तुम्हारी तरह मधुर आवाज थी और ऐसी ही गहरी सुंदर आंखें थी। तुम कवि हो क्या? जरूर कवि होंगे। हर इंसान कवि नहीं, हम सबकी जिंदगी एक कविता तो है। क्या बात कही है। तुम्हारे अंदर उदासी नजर आ रही है मुझे, तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है, तुम्हारी रूह मुझसे बात कर रही है। तो वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि तुम्हें कभी प्यार नहीं मिला, तुम एक ऐसे मर्द का प्यार चाहती हो जिससे तुम दोनों की रूह एक दूसरे में समा जाए। क्या हुआ? मैं अब इजाजत चाहूंगा। जाना जरूरी है? हाँ बहुत जरूरी है। हाँ तुम्हारे अंकल इंतजार कर रहे होंगे। सही समझा। मेरी और आंटी की ओर से उन्हें हमारा सलाम कहना। जरूर, मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर मिलेंगे। मैं उस पल का इंतजार करूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं चाहती कि तुम उस आदमी से आज के बाद फिर मिलो। क्या? पर क्यों? वो तुम्हारे लायक का नहीं है। मेरे लायक का नहीं है? क्या मतलब मेरे लायक का नहीं है? मुझे तो वो अच्छा लगता है।
मेरी बात मानो, वो सही नहीं है। ठीक है, जो भी हो। ये बताओ, क्या तुमने उसे डिनर पर इनवाइट किया था या उसने आने के लिए कहा था? मैंने इनवाइट किया था, बेचारा अकेला था। समझी, अब वो आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम आराम करो, मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। कमीना कहीं का सो रहा है। मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगी, दरिंदे कहेंगे। मिस जेरेल्डा, यहां से जाइए, जाइए, प्लीज जाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जरूर, क्यों नहीं, जल्दी आओ। तुम पूरे भीग चुके हो। नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं, तुम्हें जुकाम हो जाएगा, जल्दी से कपड़े उतारो। तुम बड़े लापरवाह हो, ये भी उतार दो। मेरे यहाँ रुकने से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम आए मुझे खुशी हुई। मेरे दादाजी आज जरा जल्दी सो गए, इसीलिए मैं मिलने चला आया। तुम्हारे दादाजी? वो तो तुम्हारे अंकल हैं। हाँ, मेरा मतलब मेरे अंकल। हाँ, तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे मिलने चले आए। तुम मुझसे प्यार करते हो? अपनी जान से ज्यादा। सच? आई एम सॉरी। चालाकी मत करना। आंटी जरल्डा, आप कैसी है? बहुत सालों के बाद मिले। बकवास बंद करो और गन नीचे रखो। ठीक है। अब बैठ जाओ।
आंटी जरल्डा अपनी कर नीचे करेंगी, भरोसा कीजिए मुझ पर। मुझे पता है क्या करना चाहिए। विक्टोरिया की जिंदगी में नया आदमी आ गया है। अच्छा, पर सच में वो आदमी नहीं है। तो क्या वो औरत है? ऐसा नहीं है। खूनी चमगादड़ों की शिकार करने की गाइडबुक, क्या क्या वो आदमी खूनी चमगादड़ का शिकारी है? बेवकूफ कहीं के, वो खूनी चमगादड़ है। खूनी चमगादड़? ये सच है, यकीन करो। और विक्टोरिया की जिंदगी खतरे में है, और मुझे तुम्हारी जरूरत है उस दरिंदे को मारने के लिए। ओह शिट आंटी ज़ेल्डा, आप नहीं कहती तो भी मैं उसे मार देता। अच्छी कार है, कहाँ से खरीदी? चोरी की है। रुको आंटी, आराम से चलो। आपको यकीन है वो यहीं पर है? हाँ, वो गुफा में रहता है। अपनी गन निकालो। ठीक है, और कितनी दूर है? यहीं पास में। अब कहाँ? वहाँ ऊपर चलो। वहाँ चलो। इसके अंदर है क्या? अंदर अंधेरा है क्या? हाँ। फ्लैशलाइट है क्या? हाँ। तो फिर मुझे दो ना। मुझे पता नहीं था तुम इतने डरपोक हो मार्टी। ओह शट अप। वो वहाँ पर होगा। ये बदबू कैसी? अरे वहाँ पर मेरे नौकर की लाश पड़ी है। ठीक है, ठीक है। तो क्या वो खूनी चमगादड़ भी यहीं अंदर होगा? वो यहाँ पर नहीं है। वो शायद गुफा के बाहर होगा। तो फिर हमें भी बाहर चलना चाहिए। चलो ठीक है। हे भगवान, तुमने मुझे डरा दिया था। आई एम सॉरी, मैं फिर आ गया। मुझे तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताना है, पर समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे कहूं। 100 सालों से ज्यादा समय तक जिंदा रहा हूं। हाँ, आज मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। ये कोई मजाक है? काश मजाक ही होता। जोनाथन, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मेरी जान। पहले कभी था पर अब नहीं। कई सालों पहले हम प्रेमी हुआ करते थे। मैं तुम्हें तुम्हारे पति से दूर ले गया था, क्योंकि वो तुम्हें बात बात पर मारता था और तुम पर बहुत जुल्म करता था। वो मुझसे बहुत जलता था। एक दिन मुझे मारने वो मेरे घर पहुंचा। तीर उसने मुझ पर चलाई, मगर मुझे बचाने के लिए तुम सामने आ गई और तुमने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। जोनाथन, तुम्हारे पति को फांसी हो गई, पर गमन के जुर्म में मुझे भी कैद हुई। सजा काटने के दौरान मैं हर पल यही सोचता रहा कि मैं दोबारा पाऊं तो तुम्हें कैसे पाऊं। मेरे रिहा होने के बाद मैं एक तांत्रिक से जाकर मिला, जो तंत्र विद्या में बहुत माहिर थी। उसने बताया कि रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता। फिर तुम अपनी कब्र से जाग उठोगे, काली शक्तियों और काली रातों के मालिक बन जाओगे। ये मेरी जिंदगी की सारी पूंजी है। मुझे श्राप दो तंत्रिका। काम हो गया, हो गया, हो गया, हो गया।
मेरे सपनों में मुझे तुम्हारे पुकारने की आवाजें सुनाई दी और तुमने मेरे लिए दोबारा जन्म लिया। हे भगवान, प्लीज तुम मुझसे डरो मत। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई बताई। तुम्हारी यह नफरत मेरे लिए जायज है। नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। नहीं करती? नहीं, मैं तुमसे नफरत कर ही नहीं सकती। I love you। मेरा सपना सच निकला। मैं तुम्हें भी अपनी तरह बनाऊं क्या? फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ अमर जीवन बिताएंगे। हे भगवान, क्या हुआ? मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती, मुझे इंसान ही रहना है। मुझे हर पल जीना है। मैं बुढ़िया होना चाहती हूँ और मरना चाहती हूँ। मतलब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती। अगर तुमने मुझे अपनी तरह बनाया तो मैं हमेशा तुमसे नफरत करती रहूंगी। तो फिर मुझे तुमसे दूर जाना होगा। नहीं, हम ऐसे भी साथ रह सकते हैं जोनाथन, और जो तुम नहीं कर सकते वो मैं कर सकती हूँ। इस तरह से हम साथ जी सकते हैं। तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, सिर्फ मैं तुम्हें प्यार दूंगा, हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। और मैं भी। इससे दूर हो बेटी, ये शैतान है। मैं आपको पहले ही उस गुफा में मार सकता था, लेकिन तुम्हारा मेरे प्यार के साथ रिश्ता होने की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। पर मैं तुम्हें छोड़ने की गलती नहीं करूंगी दरिंदे कहीं के। मैं इसे मारना चाहती थी, तुम बीच में क्यों आई बेटी? जोनाथन, तीर को निकालो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ये मशीन ऑपरेट कर पाऊंगा। ये चाबी से स्टार्ट होती है। हे भगवान, तुम तो अजीब किस्म के शैतान हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ना ही मुझे। क्या सूरज की रोशनी तुम्हारे लिए खतरनाक है? हाँ, सूरज की रोशनी से मैं राख हो जाऊंगा। हमें जल्दी छुपने की जगह ढूंढनी होगी, खाने पीने की चीजें भी लेनी होंगी। अब तुम उठो, मैं ड्राइव करती हूँ। तुम तो जख्मी हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। माफ करना मेरी जान।
गुड मॉर्निंग। डरो मत, कुछ नहीं है, सब तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम बहुत तकदीर वाली हो बेटी, उस दरिंदे ने तो तुम्हें अपने वश में कर लिया था। मैं कहाँ हूँ? भगवान की दया से तुम अपने घर में सही सलामत हो। देखो, तुम किसी भी हाल में रिश्ता नहीं रखोगी उस दरिंदे के साथ, समझ गए ना? आंटी, आंटी वो बुरा नहीं है। तुम्हें असली परिस्थिति का अंदाजा नहीं है बेटी, पर एक दिन पर्दा जरूर उठेगा, तब तुम कुछ और होगी। और मैं भी नहीं रहूंगी, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अब तुम थोड़ा आराम करो, बाद में खाना लेकर आती हूँ। वो उठ गई। हाँ, पर इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था। कभी कभार अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता। आपको यकीन है कि वो शैतान फिर आएगा? फिल्मों में तो यही दिखाते हैं और कहते हैं कि खूनी चमगादड़ प्यार के लिए किसी भी चीज की कुर्बानी देते हैं, चाहे उनकी जान ही हो। बहुत खूब, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वही जो हमेशा किया जाता है। माफ कीजिए, शैतानों को मारना मेरा कोई पेशा नहीं है, पता है? आप कुछ कहना चाहती है? मेरे पास अच्छा प्लान है। मिल गया, मेरी बात ध्यान से सुनो। घोड़े बाहर जा चुके हैं, जब मैं आऊं तुम लौट आना। तुम्हारी याद मुझे यहाँ खींच लाई जाने मन। आई लव यू, मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं मार्टिन। तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो ये बात है हा? तुम्हें प्यार से समझ नहीं आता हा? मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा पूरे दो साल। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। साली कमीनी। नहीं मार्टी। आई लव यू मार्टी। आई लव यू जानेमन। ये तीसरी बार मैं तुम्हें जीने के लिए छोड़ रहा हूँ। तुम्हारी तकदीर बहुत अच्छी है, तुम चली जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैं बहुत डर गई थी, वो तुम्हें मारना चाहते थे और मैं तुम्हें बता नहीं पाई। कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। तुमने उन्हें मार दिया। तुम्हारी आंटी को छोड़ दिया पर उस आदमी को मार डाला। चलो यहां से निकल चलते हैं। आ,
ये तुम्हारे सीने में गाड़ कर मैं तुम्हारी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जोनाथन तुम ठीक हो? अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। चलो तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लगता ना? बिल्कुल नहीं। सब ठीक हो जाएगा जॉन, मुझे यकीन है, मेरा विश्वास करो। इसी विश्वास से ही तो मैंने तुम्हें दोबारा पाया है। तो अब कहाँ जाना है? यहां से कहीं दूर ले चलो, जहां सिर्फ अंधेरा हो।